स्कूल एग्जाम्स और ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। अब बढ़िए जहां हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस, कैसे हैं सब लोग? मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो बस थम्स अप कर दीजिएगा। यस, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो ओके, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि 11th और 12th मिलाकर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इससे 11th के सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन और 12th के सेमीकंडक्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा वेटेज रखता है चैप्टर और बहुत ईजी है। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेते ये क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट है उस पे भी हम लोग PYQs देखेंगे 2023 में जो आए हुए, तो बने रहिए सेशन को, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। यस, चलो आप ट्रैक कर सकते हो हाइपर गेमिंग, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी वगैरह मिल जाएगा, ट्रैक कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सिनॉप्सिस शॉर्ट में देखेंगे, फिर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लेने का ट्राई करेंगे हम लोग, तो चलो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो शॉर्ट में बताऊंगा आपको होता क्या है क्या नहीं, ध्यान देना है बस आप लोगों को। देखो ये बेसिक्स है जो 11th का रिक्वायर्ड है। देखो क्या पूछ रहा है पहले, तो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब, और एन टाइप मतलब क्या, ग्रुप 14 एलिमेंट जो है ना वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स का उसके साथ डोपिंग किया जाए, डोपिंग मतलब क्या, इंप्यूरिटीज ऐड करना, डिजायरेबल इंप्यूरिटीज। डिजायरेबल मतलब क्या, हमें प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए जो इंप्यूरिटीज ऐड की जाती है उसे हम लोग डिजायरेबल इंप्यूरिटीज कहते हैं। तो अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल से इंप्यूरिटी ऐड की जाए 14 एलिमेंट्स में, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स डोप कर दिए जाए ग्रुप 14 वाले के साथ, तो उसे हम लोग एन टाइप कहेंगे, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़ दिया जाएगा तो दो सेमीकंडक्टर्स आएंगे, डायोड कहेंगे उसे हम लोग, और उसे कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। देन ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड नी वोल्टेज मतलब क्या होता है, जब भी डायोड पीएन जंक्शन डायोड ऐसे दिखाया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड, इन्हें आप एक्सटर्नल बैटरी से अटैच कर सकते हो, कर दिया मैंने, मान लो पॉजिटिव साइड अगर पी को अटैच किया और नेगेटिव साइड एन को अटैच किया, तो इसे हम लोग फॉरवर्ड बायस डायोड कहते हैं, फॉरवर्ड बायस डायोड। एकदम बेसिक से ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, बेसिक से इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, बाकी हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें पता चल जाएगी। अभी इधर क्या है, उल्टा कर दिया, इधर मैंने निगेटिव पी टाइप को लगाया और पॉजिटिव एन टाइप को लगाया, तो इसे रिवर्स बायस कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिवर्स बायस डायोड कहेंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन और नी वोल्टेज क्या होता है, अभी एक ग्राफ आता है वी और आई के बीच में, किसके बीच में ग्राफ आता है, वी और आई के बीच में, वो ग्राफ इस तरीके से होता है, कुछ 11th में ही पढ़ा है आप लोगों ने ये। देखो ये जो है ना इसे हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, वी नी, और इसे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। देखो नी वोल्टेज मतलब क्या, आप थोड़ा सा वोल्टेज कुछ भी ना दो, करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज थोड़ा भी दे दिया जाए तो उसके बाद करंट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो अगर फॉरवर्ड बायस में तो नी वोल्टेज, ये वाला ग्राफ फॉरवर्ड बायस के लिए और ये वाला ग्राफ रिवर्स बायस के लिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब क्या, इधर क्या आप दे रहे हो वोल्टेज, मतलब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, तुरंत से उल्टा हो गया ये एक्चुअली।
इधर आई होता है और इधर वी होता है। जब वोल्टेज बढ़ाते हो स्टार्टिंग में करंट नहीं बढ़ता है, बाद में अचानक से करंट लीनियरली वैरी करता है और फिर कर्व हो जाता है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में वोल्टेज दो आप स्टार्टिंग में, तो करंट थोड़ा सा बढ़ता है, बाद में एक सैचुरेट हो जाता है, मतलब एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाता है, देन एक ब्रेक वोल्टेज ऐसे आता है, उसके बाद करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, चलो देन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या है, पीछे ही बता दिया मैंने आपको अभी वो, जस्ट देन इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में। वर्किंग ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर होता क्या है ये समझ लो। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी का कन्वर्जन डीसी में करता है, इस डिवाइस को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। अभी देखो इधर क्या, ट्रांसफार्मर लगा है, डायोड रेक्टिफायर फिल्टर वोल्टेज रेगुलेटर, हर एक का काम अलग अलग तरीके से देखेंगे हम लोग क्या होता है, बस याद रखना रेक्टिफायर करता क्या है, एसी का कन्वर्जन डीसी में करता है। देखो एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू डीसी वोल्टेज बाय डायोड रेक्टिफायर, ओके। देन सिंपल रेक्टिफायर सर्किट ये बताता हूं मैं आपको आगे। देखो होता क्या है, ये जब इनपुट होता है, ये जो होता है ये एसी सिग्नल होता है, ठीक है, ये कैसा है एसी है, ये एसी वोल्टेज है। डीसी कैसे होता है, डीसी मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे डीसी मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। डीसी कहां यूज होता है, हमारे मोबाइल के चार्जर बैटरीज वगैरह में यूज होता है डीसी, एसी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। चलो देन रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर ये डिवाइस यूज किया जाता है। रिपल मतलब क्या, अभी ध्यान देना, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना वो बताता हूं, बाकी हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में तो वापस देखेंगे ये सारी चीजें। एक चीज याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है, एक ही डायोड यूज होता है। देन इसमें क्या होता है, ये अगर ऐसा आपका इनपुट सिग्नल है तो ये इनपुट है, आई स्लैश पी मतलब इनपुट, आपको इसका आउटपुट कैसे मिलता है पता है क्या, इस तरीके से मिलता है आपको इसका आउटपुट, मतलब ये वेव रेक्टिफाई हुई, ये वेव रेक्टिफाई नहीं हुई, ये वेव रेक्टिफाई हुई, आगे वाली वेव रेक्टिफाई नहीं होंगी, आधी आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है। रेक्टिफाई होना मतलब क्या, एसी का कन्वर्जन डीसी में करना, तो यहां पे आधी आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है, इसलिए उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही डायोड यूज किया जाता है, ये इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज ही मिलती है, सेम वैल्यू मिलता है फ्रीक्वेंसी का। क्लियर, चलो देखो यही वो डायग्राम है जो मैं बता रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर का। अभी फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें दो डायोड यूज किए जाते हैं, दो डायोड यूज किए जाते हैं, क्यों पता है क्या, और आपने ये पढ़ा होगा बोर्ड्स के टाइम पे, बट फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। दो डायोड्स होते हैं, एक D1 एक D2, पहले हाफ में D1 कंडक्ट कराता है, D2 नहीं कराता, दूसरे हाफ में D1 कंडक्ट नहीं कराता, D2 कराता है, क्यों पता है क्या, एक साइकिल में D1 फॉरवर्ड है और D2 रिवर्स है, तो रिवर्स बायस तो कंडक्ट नहीं करवाता है, और दूसरे साइकिल में D1 रिवर्स बायस हो जाता है और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो वो कंडक्ट करवा पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है क्या, ये आपका इनपुट, क्लियर, देन आउटपुट कैसे मिलता है, ऐसे आउटपुट मिलता है भाई इसमें, मतलब सर हर साइकिल में, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी रेक्टिफाई तो नहीं, अभी बस कंडक्ट करवा रहा है, इतना ही कहो, रेक्टिफाई मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाना, तो ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। देन ये हो गया हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का डिफरेंस। देन फुल वेव रेक्टिफायर में FWR मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसमें 50 हर्ट्ज नहीं मिलता है, डबल मिलता है, डबल 100 हर्ट्ज मिलता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। देन इफिशियंसी की अगर बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर वैल्यूज पूछे जाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी 40.6% है,
और इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 81% के करीब करीब है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मतलब उसके डबल है अप्रोक्स, यही बताना चाहता हूं मैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना आप लोग। रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है, रिपल फैक्टर मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट का वैल्यू, इनका रेशियो आप अगर लोगे ना तो आपको मिलेगा रिपल फैक्टर। डायरेक्ट पूछ भी सकता है एमसीक्यू में, पूछा भी गया है, ठीक है, यस ओके। फिल्टर सर्किट मतलब क्या, फिल्टर सर्किट मतलब कुछ नहीं, कैपेसिटर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है पता है क्या, पहले हमारा इनपुट कैसे आ रहा था आपको पता है, ऐसे इनपुट आ रहा था, बाद में आउटपुट कैसे मिला मुझे, इस तरीके से मिला। हो क्या रहा है आउटपुट में, ठीक से देखो, ये वैल्यूज कम हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है, वापस कम हो रहा है। तो ये वैल्यूज कम ज्यादा नहीं चाहिए ना मुझे, डीसी चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए जहां भी कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो इसका यूज क्या है, कहां यूज होता है एनर्जी स्टोर करने का, तो ध्यान देना, जहां भी वैल्यू कम होने लगे वो एनर्जी देगा जो स्टोर की गई है, तो वो वैल्यू ऊपर आ जाएगा, कम नहीं होने देगा वैल्यू को, कांस्टेंट रखने का ट्राई करेगा। तो जब कैपेसिटर मतलब फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर लगाया जाता है, तो इसके बाद कैसे हो जाता है पता है क्या, वो आउटपुट ऐसे मतलब ऑलमोस्ट डीसी मिलने आया है, ऑलमोस्ट डीसी मिल रहा है, प्योर डीसी नहीं है, ऑलमोस्ट डीसी कह सकते हो। चलो मजा आ रहा है, बोल रहा है फास्ट हो रहा है, फास्ट सिनॉप्सिस से इसलिए फास्ट हो रहा है, मैंने बताया रिवाइज करा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट रिवीजन टाइप मिलना चाहिए, डीप में नहीं रिवाइज हो रहा है ये मुझे पता है, ठीक है। उम्मीद है आप चैप्टर पढ़ के आए हो, लेक्चर शेड्यूल हो जाता है, आप चैप्टर पढ़ के आया कीजिए ताकि आपको और मजा आएगा। ये कैपेसिटर फिल्टर स्पेशल पर्पज जंक्शन डायोड, अभी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जीनर डायोड पे तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सर्किट डायग्राम की, इजी इजी। फोटो डायोड, सोलर सेल और लाइट इमिटिंग डायोड, इनका वर्किंग याद रखो बस। देखो जीनर डायोड प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन पे वर्क करता है, जंक्शन ब्रेकडाउन मतलब क्या, ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज, जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि वी ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वही ब्रेकडाउन वोल्टेज के एप्लीकेशन पे जीनर डायोड वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे जीनर डायोड का जंक्शन ब्रेकडाउन मतलब क्या है, ये पढ़ लीजिएगा आप डेफिनेशन। अभी दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक एवलांच ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन, डिफरेंस समझ लो। जीनर ब्रेकडाउन के प्रिंसिपल ही पर ही वर्क करता है, बट कभी कभी एमसीक्यू में एवलांच ब्रेकडाउन नाम भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एवलांच ब्रेकडाउन है क्या। पहाड़ वगैरह लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कभी, तो वो कैसे होते हैं, तुरंत से एक साथ नहीं होते, धीरे 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 होते रहते, तो उस टाइप का अगर ब्रेकडाउन हो तो उस टाइप के ब्रेकडाउन को हम लोग एवलांची ब्रेकडाउन कहते हैं, और जीनर ब्रेकडाउन मतलब सडन हो जाता है। ये ग्राफ देखा था, ये इधर जो ग्राफ था ना ऐसे देखो, सडन ये वोल्टेज बढ़ रहा था और तुरंत से ये वैल्यू ऐसे बढ़ने लग गया, तो हुआ क्या, अचानक से वैल्यू बढ़ गया ना, सडनली हुआ, तो वो जीनर ब्रेकडाउन होता है। चलो क्लियर है, वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। चलो जीनर डायोड, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, फिट कर लो दिमाग में, जीनर डायोड रिवर्स बायस मोड में ही वर्क करता है, जीनर डायोड रिवर्स बायस मोड में ही वर्क करता है, ये बुक्स में भी लिखा हुआ है, बट मैं बोलूं तो ये फॉरवर्ड बायस में भी वर्क करेगा जीनर डायोड, बट एज अ नॉर्मल फॉरवर्ड बायस डायोड वर्क करेगा, इसलिए वो आपको बुक में डायरेक्ट सेंटेंस दिया है कि जीनर डायोड वर्क्स इन अ रिवर्स बायस मोड, याद रखना ये सेंटेंस।
वाह वाह, क्या शायरी आई है भाई। मोहब्बत में सजा मिलना तो जाहिर थी, हमने भी बहुत से दिल तोड़े थे उनके लिए। वाह क्या बात है अनुज। चलो ये ग्राफ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। अभी देखो, जीनर डायोड एज द वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है। कैसे, क्या? वोल्टेज जो होता है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, आप बहुत सारी जगह पर वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते होंगे। स्टेबिलाइजर वगैरह डिवाइसेस होते हैं, उसमें क्या वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो वो वोल्टेज रेगुलेटर जो है ना उसमें जीनर डायोड ही लगा होता है। जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जब करंट कम ज्यादा हो रहा होता है ना, फ्लक्चुएट होता है, तो करंट कम ज्यादा नहीं होने देता, कॉन्स्टेंट करंट जाने देता है। ये आपको एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा, बट ये याद रखना कि वोल्टेज रेगुलेटर के लिए क्या यूज किया जाता है, जीनर डायोड यूज किया जाता है। क्लियर? एक मिनट बस, क्लियर है? चलो देखो, फोटोडायोड मतलब क्या, अभी सिंबल्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। फोटोडायोड ये क्या होता है, ये एनोड, या उसे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हो, ऐसा वर्टिकल डंडा, खड़ी डंडी अगर निकालो तो इसे आप कैथोड कहते हो, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये ऐसे दिखाया जाता है। अभी फोटोडायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये याद रखना, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। इस पे एरो ऐसे होते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फोटोडायोड का। ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फोटोडायोड का। आगे लाइट इमिटिंग डायोड आएगा, लाइट इमिटिंग डायोड में सेम ऐसे ही रहेगा, बस ये एरोस उल्टे हो जाएंगे क्योंकि वो लाइट इमिट करेगा ना। यस, देखो डार्क रेजिस्टेंस एक याद रखना। जस्ट वेट, सॉरी गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डार्क रेजिस्टेंस, फोटोडायोड में एक टर्म होता है जिसका याद रखना फॉर्मूला, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय डार्क करंट। ठीक है, फोटोडायोड के एप्लीकेशंस याद रखना। फोटोडायोड कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा, फोटोडायोड, फोटोडायोड कहाँ कहाँ देखा, बर्गलर अलार्म पता है आप लोगों को, बर्गलर अलार्म,
बर्गलर अलार्म कहाँ देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज वगैरह में देखा होगा, चोर वगैरह आते हैं देखो तो क्या हो जाता है, चोर वगैरह आते हैं तो वो रेज वगैरह होते हैं ऐसे, उसमें थोड़ा भी हाथ अगर बीच में आ गया तो वो अलार्म बजने लगता है। होता क्या है, वो लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा होता है क्योंकि ये लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, तो वो अलार्म तुरंत बजने लगता है जैसे ही वो करंट स्टॉप हो जाता है। करंट कैसे स्टॉप होता है, नोट काउंटिंग मशीन होते हैं उसमें भी नोट्स काउंट किए जाते हैं देखो, तो वो क्या लाइट आ रहा होता है, जितनी बार लाइट ऑन ऑफ होता है नोट आई की लाइट वो जा रहा है तो वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करेक्ट, वापस नोट जाएगा, वापस वो उस पर लाइट गिरेगा, वापस स्टॉप हो जाएगा, जितनी बार लाइट ऑन ऑफ होता है वो नंबर काउंट करता है। तो देखो बर्गलर अलार्म सिस्टम, डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशन, ऑब्जेक्ट काउंटिंग में भी होता है, मॉल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्ट काउंटिंग में भी इसका एप्लीकेशन है। मॉल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट काउंटिंग किया जाता है कभी कभी, तो वो मशीन रहता है, वो मशीन भी फोटोडायोड के वो प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। बर्गर देखा है बोल रहे, अरे भाई खाना पीना छोड़ो अभी पढ़ाई के पीछे लगो, बर्गलर अलार्म की बात कर रहा हूं तो बोले बर्गर देखा है क्या भाई। चलो स्ट्रक्चर ऑफ सोलार सेल, सोलार सेल क्या करता है, सोलार एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है यूजिंग सोलार सेल्स, मतलब सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ याद रखना क्या होता है, इस ग्राफ में ये ग्राफ है ना वापस आई और बी के बीच में प्लॉट किया जाता है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे प्लॉट किया जाता है। क्या होता है, यहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्यों होता है शॉर्ट सर्किट, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वोल्टेज कितना है यहां पर, वोल्टेज जीरो है, तो पावर शॉर्ट सर्किट के टाइम पर जीरो होता है, जो पावर हम लोग अगर कैलकुलेट करें ना तो वो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे ISC लिखा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट, बट यहाँ पे पावर जीरो क्यों है, क्योंकि V का वैल्यू जीरो है, इसीलिए कोई डाउट नहीं यहां तक। देन आगे बढ़ेंगे, ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट को ओपन सर्किट वोल्टेज कहा जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। अभी ओपन सर्किट वोल्टेज पे क्या है, यहां पर करंट जीरो है इसीलिए यहां पर भी पावर जीरो है, लेकिन एक पॉइंट मिलता है आपको जहां पर पावर मैक्सिमम मिलता है, तो वो ये पॉइंट होता है। शॉर्ट सर्किट में पावर क्यों जीरो मिलता है, उसका रीजन अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शंस में दिया जाए तो याद रखना वोल्टेज जीरो होता है शॉर्ट सर्किट के वक्त। चलो देन आता है लाइट इमिटिंग डायोड, मैंने बताया ये पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसे पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी कहा जाता है। इसमें से आप अगर एरो आउटवर्ड दिखाओ बाहर जाते हुए, इसका मतलब लाइट बाहर गिर रहा है, तो ये मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। चलो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना आप एक बार। देन आता है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बायपोलर जंक्शन एमसीक्यू भी लेंगे, बस 5 मिनट, ठीक है, एमसीक्यूज भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिस्टर मतलब क्या, तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। इसमें याद रखना इसमें होता है इमिटर, देन इसमें होता है बेस और इसमें होता है कलेक्टर। इमिटर क्या होता है पता है क्या, इमिटर थोड़ा सा लाइटली डोप्ड होता है, देन बेस जो होता है वो बेस लेस डोप्ड होता है, और ये कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, सॉरी इमिटर हेवी डोपिंग होती है इमिटर में, इमिटर हेवी डोप्ड होता है, ये लेस डोप्ड होता है और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। डोपिंग मतलब क्या मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान दो, ये सारी चीजें तो क्लियर है। देन पीएनपी मतलब कैसे, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा, सिंबल्स पे भी आ सकता है, ये इमिटर होता है, देन बेस बहुत छोटा होता है और कलेक्टर बड़ा होता है क्योंकि उसे कलेक्ट करना होता है चीजों को, तो ये आपका इमिटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। देन
आगे बढ़ेंगे और एनपीएन पे, एनपीएन पे भी सेम, एन पी सबसे छोटा बेस होता है, ये बेस होता है, ये इमिटर होता है और ये कलेक्टर होता है, एनपी और ये एन। क्लियर हुआ? चलो टू डायड एनालॉजी, अभी ये देख लेना आप लोग, इसके सिंबल्स वगैरह बुक में दिए, सिंबल्स वगैरह देख सकते हो आप लोग। देन लास्ट आता है इसमें लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है, इस पे हर साल क्वेश्चंस आते और बहुत इजी होते हैं, आप देख लेना, मतलब हर साल या हर अल्टरनेट ईयर इस पे क्वेश्चन होता है लॉजिक गेट पे, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको क्वेश्चंस की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप 30 सेकंड्स में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इजीली। कितना टाइम? 30 सेकंड्स मैक्स लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस को। देखो लॉजिक गेट मतलब क्या होता है, इसमें एन नंबर ऑफ आउट इनपुट्स हो, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें एक ही आउटपुट मिलेगा आपको, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ इनपुट्स हो तो भी चलेगा, लेकिन आउटपुट एक ही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये जो गेट्स होते हैं ना लॉजिक गेट्स, इनको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताया जाता है, उसे बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। शुभ आप टेक्निकल टीम के नंबर पे कॉल करना, बात करके बता दूंगा, ठीक है। क्या डाउट है आप पूछ सकते हो, और कोई नहीं? आज फॉर्मूला बुक सैटरडे को ऑर्डर की थी, मिल जाएगी मुझे, टीम से पूछकर बताना पड़ेगा कि सैटरडे को ऑर्डर किए तो कितने दिन में मिलेगा, ठीक है ना, पूछ लूंगा मैं। चलो देखो गेट में ना आपको बुलियन एक्सप्रेशन तो बता दिया, एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, ठीक है। सबसे पहले एंड गेट को डॉट से डिनोट किया जाता है, और गेट को प्लस से डिनोट किया जाता है, नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है। मतलब मान लो ए है तो उसके ऊपर ऐसे एक बार दे देगा, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। चलो नॉट गेट मतलब क्या, देखो इनपुट है ना, दो ही चीजें होती है इधर, इधर ना नंबर ऑफ इनपुट्स हो तो इनपुट में दो ही चीजें होती है, या तो जीरो वोल्ट हो सकता है या फाइव वोल्ट हो सकता है। जीरो वोल्ट हो तो हम लोग जीरो ही लिखेंगे लॉजिक गेट्स में, और अगर फाइव वोल्ट है तो हम लोग वन लिखते हैं। तो समझ जाना, वन लिखा है मतलब फाइव वोल्ट है, और जीरो लिखा है मतलब जीरो वोल्ट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। देन आगे बढ़ते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन तो बता दिया मैंने आपको। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट अगर वैल्यू वन है तो उसका उल्टा कर देगा, नॉट नॉट नो बोलता है, ये बोलता है जो भी इनपुट आएगा मैं वो नहीं जाने दूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा। तो देखो इसमें अगर इनपुट जीरो है तो वन मिलेगा, वन है तो जीरो मिलेगा, उल्टा कर देता है। देन आता है और गेट। और गेट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मान लो दो इनपुट्स थे, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये दो इनपुट ए एंड बी, और ये आपका आउटपुट वाई। ए बी में क्या क्या हो सकता है, जब दो इनपुट आ जाए ना तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है 2^n। अगर दो इनपुट है, n का वैल्यू 2 है तो 2^2 4 इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर तीन इनपुट है तो इनपुट कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे, ये मैं क्वेश्चन में बता भी दूंगा आपको। देखो चार बन रहे, 1, 2, 3, 4। अभी और गेट को कैसे डिनोट किया जाता है, वाई आउटपुट ए प्लस बी, और गेट को प्लस से दिखाया जाता है ना इसीलिए। देन अगर दोनों 1-1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, दोनों में से एक भी 1 है तो 1, अगर दोनों 0 है तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गया और गेट,
देन आगे बढ़ते हैं एंड गेट, एंड गेट में भी मान लो दो इनपुट है तो ए डॉट भी बताया जाता है। ये मैथ्स नहीं है, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसमें, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसमें, ठीक है इतना याद रखना। इसमें क्या होता है दोनों वन वन है तो ही वन मिलेगा, बाकी सारे जीरो मिलेंगे आपको, ठीक है दोनों वन वन है तो ही वन मिलेगा बाकी सारे जीरो मिलेंगे। चलो देन नॉट गेट, नॉट गेट मतलब क्या, एंड गेट प्लस नॉट गेट, जो एंड गेट के रिजल्ट्स थे ना वो नॉट गेट पूरा उल्टे कर देता है, देन नॉर गेट आता है। नॉर गेट मतलब क्या, और गेट प्लस नॉट गेट। बच्चे बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए, बस दो ही मिनट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलो क्लियर है क्या? चलो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए लॉजिक गेट का है। चलो बड़े आगे देखो, अभी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। रेडी है सब लोग? सब लोग अगर रेडी है ना क्वेश्चंस के लिए बस थम्स अप कर दो, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करो जल्दी से। चलो अभी देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो बताऊंगा आपको, ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अरे यार भाई ये कौन है, पी वाई क्यू मतलब क्या पूछ रहा है, नए हो क्या भाई, छोड़ो चलो ध्यान दो। क्या बोला है क्वेश्चन में, टू गेट द ट्रूथ टेबल शोन फ्रॉम द फॉलोइंग लॉजिकल सर्किट द गेट शोन शुड बी। अच्छा ये जो गेट बताया गया है ना, ये गेट कौन सा होगा, कौन सा वाला, ये वाला गेट कौन सा होना चाहिए ये, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है वो, ए बी जीरो जीरो है, देखो ए बी क्या है, जीरो जीरो इनपुट है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। देन ए के लिए जीरो वैल्यू है, बी के लिए वन है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड जाएगा, आराम से बताऊंगा, ठीक है आराम से बताऊंगा आपको, ध्यान देना। मैं बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे इनपुट लिख रहा हूं। ये जीरो और वन था, जीरो और वन था तो ये भी जीरो मिल रहा था। देन ये वन था, ये जीरो था तो ये वन मिल रहा था, ये वन था, ये भी वन था तो ये आपको वन मिल रहा था, ठीक है। देखना पड़ेगा ये गेट कौन सा हो सकता है, और गेट अगर है तो देखो नॉट कहीं नहीं लगा है, ये और गेट है, ठीक है ये तो और गेट है, ये हमें पता है। चलो इसका जीरो, ये आगे ऐसे ही जीरो चला जाएगा मान लो, पहले इसमें ये भी जीरो गया, ये जीरो जीरो का क्या मिलेगा आपको, तो आगे जाके जीरो मिलेगा तो यहां से जीरो ही मिलना चाहिए आपको, जीरो जीरो का जीरो मिलना चाहिए। ओके देन जीरो और वन तो यहाँ पे जीरो ही मिलेगा, यहाँ पे वन आएगा, जीरो वन का आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो ही मिलना चाहिए। अरे यार जीरो जीरो का भी जीरो और जीरो वन का भी जीरो, जीरो जीरो का भी जीरो और जीरो वन का भी जीरो, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, जीरो चाहिए तो यहाँ पे भी जीरो मिलना चाहिए। ओके तो मतलब ये और गेट तो नहीं होगा, क्यों पता है, अगर ये जीरो और वन होता तो ये वन आ जाता, लेकिन वन नहीं आने दे रहा है तो और गेट नहीं है। एंड गेट हो सकता है, नॉर गेट, नॉर गेट है क्या सर, नॉर गेट भी नहीं लग रहा है यार, जीरो जीरो का जीरो दे रहा है तो नॉर गेट भी नहीं है, नॉर गेट भी नहीं है। अच्छे से पढ़ा होना चाहिए आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। देखो दो ऑप्शन तो कट गए यहां पर, बचा क्या अभी, एंड एंड नॉट गेट बचा है। तो चलो अभी ध्यान दो आगे, अगला वाला है वन जीरो, तो यहां पे वन और यहां पे जीरो, वन जीरो का वन मिलना चाहिए आपको उधर आगे जाकर, वन जीरो का वन मिलना चाहिए, वन जीरो का वन मिलना चाहिए। तो ये कब मिलता है, कब मिलता है, कोई बताएगा ऑप्शन, क्या बात है भाई बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस बता रहे। बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड यार, मिल रहा है हमें बी ऑप्शन से, क्योंकि नांड गेट नहीं हो सकता, नांड गेट में जीरो 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 होता है तो वो वन कन्वर्ट कर देगा ना, वन नहीं मिल रहा है इसीलिए नांड गेट भी नहीं होगा। चलो समझ में आया तो थम्स अप करो।
चलो बड़े आगे, चलो ओके। देखो अगला क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, देखिएगा क्या बोला है। अ 5 वोल्ट स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइंड यूजिंग 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। मतलब 5 वोल्ट का स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई चाहिए जो कि यू डिजाइन करके यूज किया जा रहा है 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में एज इनपुट सोर्स। ओके, द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड इज 2 वॉट। मैक्सिमम पावर रेटिंग कितना है जीनर डायोड का? 2 वॉट है। अच्छा, जीनर डायोड के लिए जो भी लिखते हैं ना तो हम लोग जेड लिखते हैं आगे, कि समझ में आया जीनर डायोड। ट्रुथ टेबल दिया होता है क्या क्वेश्चन में? कभी कभी ट्रुथ टेबल देता है क्वेश्चन में, कभी कभी वो ट्रुथ टेबल बनाने भी बोलता है आपको। आगे क्वेश्चन आएंगे ना, आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा। चलो PZ पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड कितना बोला था भाई? 2 वॉट बोला था, 2 वॉट। ठीक है, द मिनिमम ऑफ द रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड इन सीरीज विद जीनर डायोड विल बी, मिनिमम ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद जीनर डायोड विल बी कितना होगा? मिनिमम रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद जीनर डायोड, सीरीज रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा? ठीक है, वर्किंग आपने पढ़ा होना चाहिए। और क्या क्या वैल्यूज दिए वो देख लो ना। 5 वोल्ट क्या दिया है? 5 वोल्ट, कोई बताएगा 5 वोल्ट क्या दिया है? 5 वोल्ट स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई VS, देन 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई मतलब क्या? 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई मतलब क्या? अभी दोनों भी V का ही वैल्यू है ना, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट्स में आप लोगों का। सर नोट्स कहाँ मिलेगा इस चैप्टर का? नोट्स आपको PGMN ऐप पर स्टडी मटेरियल में मिलेगा। साइड में 3 लाइंस होते हैं ऐप ओपन करने के बाद, ऊपर उस पर क्लिक करना, फ्री मटेरियल स्टडी मटेरियल ऐसा एक फोल्डर होता है, उसमें जाके एकलव्य 4.0 में आपको इसके नोट्स मिलेंगे। क्लियर है क्या? चलो अभी देखो, ये आपको 12 वोल्ट जो है ये VZ मिलेगा। ठीक है, उल्टा हो गया, ये आपको 5 वोल्ट VZ मिलेगा, VS 12 वोल्ट मिलेगा। देन और क्या चाहिए आपको? आपको RS चाहिए। RS का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है ना, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा, V बाय I हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना हर बार, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। तो ऊपर V आएगा, नीचे I आएगा। I मतलब किसका? जीनर डायोड का, जीनर डायोड का करंट। बट ऊपर क्या आएगा? ऊपर आता है VS माइनस VZ। क्या आता है? VS माइनस VZ। क्लियर है क्या? देखो देन हमें IZ नहीं पता, IZ नहीं पता, बट P पता है। P और I का कोई रिलेशन है क्या? P इज इक्वल टू VI होता है सर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय V, PZ बाय VZ ले लो। PZ कितना है? 2। VZ 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 कितना है? 5। 2 बाय 5 कितना होता है? 2 बाय 5 होता है 0.4 एम्पियर। करेक्ट, तो ये पुट कर दो वैल्यूज। VS कितना है? VS है 12, VZ कितना है? 5। ओके, IZ कितना है? 0.4। ये हो जाएगा 12 माइनस 5, 7 डिवाइडेड बाय 0.4। ऑप्शंस में अभी तो नहीं मिल रहा है, बट मैं इसे लिख सकता हूं 70 डिवाइडेड बाय 4। कुछ नहीं, बस इसे सिंप्लीफाई किया है। 4 4 1 जा 4, 30 हो गया। 4 7 जा 28, 20 बचा 17.5 इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। पूछ रहा है आपका नाम क्या है? सत्यम नाम है, सत्यम। समझ में आया तो थम्स अप कर दो। यस, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो बड़े आगे, चलो। इन अ ट्रांजिस्टर इन अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन द रेशियो ऑफ पावर गेन टू वोल्टेज गेन इज। पावर गेन और वोल्टेज गेन का रेशियो क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, इससे इजी नहीं हो सकता। अगर एक बार भी बुक रीड किया है ना, तो एक टर्म होता है बीटा, जो कि रेशियो होता है पावर गेन डिवाइडेड बाय वोल्टेज गेन। तो यहां पे बीटा होता है। अच्छा, अल्फा क्या है सर? अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा बताएगा कोई?
चलो इतना इजी क्वेश्चन आता है यार, इतना इजी क्वेश्चन आता है। बीटा मतलब क्या, मतलब पावर गेन और वोल्टेज गेन का रेशियो क्या होता है? तो भाई अल्फा तो नहीं होता है, और अल्फा का सवाल नहीं आएगा इसमें, बीटा बाय अल्फा नहीं होता है, बीटा इंटू अल्फा भी नहीं होता है, तो बस बचा बीटा, बीटा ही होता है पावर गेन अपॉन वोल्टेज गेन। चलो देखो, इन इन रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग मतलब क्या, रिवर्स बायसिंग मतलब समझ लो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, रिवर्स मतलब पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव लगा देना, ठीक है, पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग किया। ऑप्शंस क्या बोल रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, डिप्लीशन लेयर होता क्या है, बेसिकली क्वेश्चन 11th के बेसिक से था, क्वेश्चन 11th के बेसिक से था, बट रिवर्स बायस वगैरह आता है तो इसलिए 12th में आया है। देखो सबसे पहले डिप्लीशन रीजन क्या होता है, जहां भी पीएन जंक्शन डायोड बनता है ना, वहां पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, जहां पी टाइप में क्या होता है मेजोरिटी में होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजोरिटी में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इधर होल्स होते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा रीजन फॉर्म हो जाता है जहां होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो उस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। निगेटिव क्या करेगा, होल्स को और इधर खींचेगा, निगेटिव इधर क्या होते हैं होल्स, जिन पे हम लोग मानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और इधर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, निगेटिव होल्स को खींचेगा, डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है इसमें। तो देखो, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, नहीं, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, यस, द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज, नहीं, ये माइनॉरिटी मेजोरिटी चेंज नहीं करता है, ये बस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है। चलो समझ में आया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिन्होंने बी बोला है वो करेक्ट है। चलो बड़े आगे, देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बोला था स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इजी चैप्टर है। चलो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज 50 हर्ट्ज है हाफ वेव रेक्टिफायर में, मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको पहले, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है, और बाद में फुल वेव रेक्टिफायर को आउटपुट फ्रीक्वेंसीज कितने होंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसीज हाफ वेव रेक्टिफायर में 50 हर्ट्ज लगाया है तो 50 हर्ट्ज ही मिलता है, बताया था मैंने, और फुल वेव रेक्टिफायर में ये भी बताया था तब कि क्वेश्चंस आते हैं इस पर, फुल वेव में 100 मिलता है, 50 नहीं, 100 नहीं, 50 करेक्ट है, 150 नहीं, क्योंकि ये हाफ वेव का है, ये फुल वेव का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितना टाइम लगेगा इसको, हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे, हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे, हो जाएगी ऋषि, अगर बहुत ज्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा हो जाएगी। चलो क्लियर हुआ है क्या, थम्स अप करो, मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में, चलो आइडेंटिफाई द मिसमैच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मिसमैच निकालना है बस, मिसमैच, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, करेक्ट है ना, ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन तो मिसमैच वाला निकालना है, ये रिलेशन सही बोल रहा है, सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट, सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट, सोलर सेल क्या करता है, अरे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी मिसमैच है। अच्छा आगे, फोटोडायोड ऑप्टोकपलर डायरेक्ट बुक में दिया है, ऑप्टोकपलर जैसे यूज होता है, पीपीटी में भी है, पीपीटी भी एक बार गो थ्रू कर दिया ना, काम हो जाएगा आपका। लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हाँ यूज होता है लाइट इमिटिंग डायोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी, क्लियर है क्या? चलो बढ़ दे आगे। अच्छा ये वही क्वेश्चन है ठीक है, जो हमने पीछे सॉल्व किया है, रिपीट हुआ है, एंड गेट था उसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफर्स फ्रॉम पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का कौन सा ऑपरेशन पीएनपी ट्रांजिस्टर से डिफर करता है? देखो, द इमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इन एनपीएन, करेक्ट है, अगर आप एनपीएन आराम से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, हाँ ये करेक्ट है,
ये करेक्ट है क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस्ड होता है एनपीएन में, ठीक है। इमिटर इंजेक्ट होल्स इनटू द बेस ऑफ पीएनपी, करेक्ट है, क्योंकि पी टाइप में क्या होता है मेजोरिटी में होल्स होते हैं, ये होल्स ही इंजेक्ट करेगा ना बेस में, एन बेस था। ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस रीजन ऑफ एनपीएन, हाँ, और यहां से तो इलेक्ट्रॉन्स ही मेजोरिटी है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। द इमिटर इंजेक्ट माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस रीजन ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर, नहीं इमिटर माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं, इमिटर मेजॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट करता है, माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट करके मिलेगा ही क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलो डी भी देख लेते, द इमिटर इंजेक्ट होल्स इनटू द बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, हाँ करेक्ट है, चलो क्लियर है क्या। चलो बड़े आगे, चलो इन केस ऑफ नांड गेट इफ ए एंड बी आर इनपुट ऑफ एंड वाई इज द आउटपुट, देन क्या हो जाएगा, देखो वाई सबसे पहले तो एंड गेट मतलब क्या, ये ए डॉट बी, ये क्या हुआ एंड गेट हुआ, देन इसमें नॉट लगा दो, ए डॉट बी हो जाएगा, और ये नॉट मतलब दोनों पर भी ऐसे आ जाएगा, देखो इन द केस ऑफ नांड गेट इफ ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट, देन ध्यान देना है क्या हो जाएगा। अभी ऑप्शन में तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है सर, ऑप्शन एक चीज होता है बताता हूं आपको, याद रखना डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, बुक में भी नहीं दिया है बट क्वेश्चन आया इसलिए बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, एक लाइन याद रखोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते, क्या होता है वो लाइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, अच्छा मतलब क्या, लाइन ब्रेक करो, साइन अगर डॉट है तो प्लस आएगा, प्लस है तो डॉट आएगा, बस इतना ही है उसमें, देखो तो लाइन ब्रेक करो, लाइन ब्रेक कर दिया तो यहां पे क्या आएगा, लाइन ब्रेक करने के बाद यहां पे क्या आएगा, यहां पे प्लस आएगा और यहां पे बी बार आएगा, अच्छा ऐसे ए बार प्लस बी बार, अच्छा यहां पे बार नहीं हुआ है शायद, सही है हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्या आएगा आंसर, तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार, क्यों होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, मतलब डॉट अगर है तो प्लस आ जाता है और अगर प्लस है तो डॉट आ जाता है, इतना ही डिफरेंस है, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ, चलो बड़े आगे, आ गया भाई वापस से लॉजिक गेट, इन द डिजिटल सर्किट इनपुट्स आर एज शोन इन द फिगर, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट y इज, y के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, मजा आएगा, देखो ये मुझे बताओ a है, ये a है, ये b है और ये c है, a b c, हां करेक्ट, यहां पे a जाएगा यहां पे b जाएगा, मुझे बताओ ये कौन सा गेट है, ये ऑन एंड गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक है अभी ध्यान देना, एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट ए डॉट बी करेगा, एंड गेट ए डॉट बी करेगा, ए डॉट बी करने के बाद यहां पे बार आ जाएगा, ए डॉट बी करने के बाद यहां पे बार आ जाएगा, क्योंकि आगे जोकर जैसा अगर गोल लगा हुआ हो ना तो वो नॉट गेट का सिंबल होता है, ठीक है तो ये हो गया ए डॉट बी का बार, सी आया था, नॉट गेट कुछ नहीं करेगा बस सी बार कर देगा, तो ये मेरा इनपुट आगे जाएगा ए बार ए डॉट बी का बार और ये सी बार आ जाएगा, और ये मेरा कौन सा गेट है, ये और गेट है, इसमें नॉट नहीं लगा है तो और गेट होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा एक इनपुट है और एक प्लस सी बार है, कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, चलो बढ़ो आगे, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे।
इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ओके, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के स्टडी में ये अल्फा दिया है ऐसे आईसी बाय आईई, ये याद कैसे रखना है ना वो भी बता देता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। देन बीटा दिया है वेयर आईसी आईबी आई आर कलेक्टर बेस एंड इमिटर करंट। देन अरे यार ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है भाई, मतलब सारे वैल्यूज दे देने के और लास्ट में उसने पूछना कैलकुलेशन करके बताओ। ये क्वेश्चन 9th-10th में भी आ जाए तो वो भी बच्चा सॉल्व कर लेगा। सबसे पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ फॉर्मूले याद रखने की, याद रखना दोनों भी फॉर्मूले में नीचे ऊपर आईसीआईसी है, ऊपर क्या है आईसीआईसी मतलब कलेक्टर करंट है दोनों भी फॉर्मूलाज में। देन यहाँ पे बीटा है ना, बीटा आएगा तो बी आएगा, बीटा आएगा तो बी आएगा आईसी बाय आईबी, और बचा क्या ई ही बचा आईसी बाय आईई। क्लियर हो गया? चलो अब ये कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है, 1/α - 1/β निकालना है भाई। 1/α दिया है 0.98 माइनस 1/β दिया है 4.9, कुछ नहीं है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4.9 माइनस 0.98 डिवाइडेड बाय 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, 4.9 माइनस 0.98 कर देना, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा कोई बताएगा? इसे और सिंप्लीफाइड वे में भी सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 1/0.98 100/98 लिख सकते हो इसको, इसको भाई 100/98 लिख देना, ठीक है, माइनस इसको लिख देना 10/49। अच्छा अभी सॉल्व करना है इसको, अभी सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1.0204 और ये कितना मिलेगा, ये कितना मिलेगा चेक करता हूं, रुको 1.0204 0 पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 50 बाय 49 1.1 आ जाएगा और एक 0 100 और ये आ जाएगा 0.024। तो ये माइनस करोगे ना, ये कैसे आएगा पता है, यहां पे 100 लिख के 10^-1 लिख दो, 100 लिख के 10^-1 लिख दो तो सेम ही मिल रहा है लगभग आधा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो समझ में आया है, समझ में आया है क्या, समझ में आया है तो थम्स अप करो जल्दी से। यस चलो मजा आया है मतलब लेक्चर में, मजा ले रहा है। हाँ वेरी गुड, चलो बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। डीपी रिमाइंडर डिस्ट्रैक्ट होता है, नहीं यार डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने देने। देखो एक चीज बताता हूं, अगर कोई ठीक है सुनो मोटिवेशनल है ध्यान दो, बोलू क्या? हाँ सर ओके। अगर कोई चीज बहुत डिफिकल्ट लग रही है आपको, फिर भी आप लोग अगर कन्विंस्ड हो कि मैं ये कर लूंगा, तो इसका मतलब वो आपके पीछे आने का सिग्नल दे रही है। वो कौन? आपकी डेस्टिनी। चलो क्लियर है? चलो मिलेंगे अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए। इसका मतलब वो आपके पीछे आने का सिग्नल दे रही है, आपकी डेस्टिनी।
चलो बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों तक, शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फ्री बैच का फायदा हो सके। कल हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इस पे। हमने आज लगभग कितने क्वेश्चंस किए देखिए, 10-11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए इसके। चलो